नमस्कार, मैं हूं मुर्तजा खान और आप देख रहे हैं मुर्तजा स्टोरीज। लोकसभा चुनाव 2019 की तारीख का ऐलान हो चुका है, ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां लोकसभा चुनाव 2019 की तैयारी में जुट गई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर यह आ रही है कि भाजपा में टिकट को लेकर खींचमतानी शुरू हो गई है। उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को पत्र लिखा है और कहा है कि अगर पार्टी ने मेरा टिकट काटा तो उसे लोकसभा चुनाव 2019 में बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने पत्र में ये लिखा है कि मैंने पिछले 5 साल में ज़िले में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और अपनी पार्टी को मजबूत बनाया। मैं 2014 में 3,15,000 वोटों से जीता था। अगर पार्टी मुझे इस बार लोकसभा चुनाव 2019 में उन्नाव से टिकट देती है तो मैं 4 से 5 लाख वोटों से जीतूंगा। वहीं बता दूं, सीधा का सीधा साक्षी महाराज ने भाजपा यानी अपनी ही पार्टी को धमकी दे डाली है कि अगर मुझे उन्नाव से टिकट नहीं मिला 2019 लोकसभा चुनाव का तो पार्टी को 2019 में हार का मुंह देखना पड़ेगा और बहुत ही ज़्यादा बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये सीधा का सीधा अपनी पार्टी को धमकी दे डाली है साक्षी महाराज ने। वहीं मैं आपको बता दूं, साक्षी महाराज ने पत्र में ये भी लिखा है कि मुझे उन्नाव से ही टिकट मिलना चाहिए, मैं कोई और जगह से टिकट लेकर लोकसभा चुनाव 2019 का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे सिर्फ उन्नाव से ही टिकट मिलना चाहिए लोकसभा चुनाव 2019 का। सीधा का सीधा साक्षी महाराज ने अपनी ही पार्टी को धमकी दे रहे हैं कि मुझे टिकट मिलना चाहिए उन्नाव से, क्योंकि मैंने 5 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करी है ज़िले में और मैंने अपनी पार्टी को मजबूत बनाया है और करोड़ों रुपए मैंने खर्च करे हैं ज़िले में, इसलिए मुझे टिकट मिलना चाहिए उन्नाव से ही। अब देखना ये साक्षी महाराज ने जो पत्र लिखा है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे को, उसका पार्टी के ऊपर क्या असर पड़ता है ये तो टाइम ही बताएगा। चलिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, जो पत्र लिखा है साक्षी महाराज ने इसके बारे में आप क्या सोचते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप मेरी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को जरूर लाइक करिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा देना ताकि मैं जब भी नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपको पता चल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।